वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टॉक्स इन न्यूज सो इन दिस वीडियो री डिस अबाउट टी सी एस एंड उससे रिलेटेड जो बाय बैक की न्यूज़ आई है ना वेरी रिसेंटली आई हैड कवर्ड अ इन माई विडियो दट वॉट इज इन शॉर्ट वॉट इज बाय बैक वट आर द एडवाटेजि डिसएडवांटेजिजस टॉकिंग अबाउट द बायक दट टी सी एस हैज़ कम अप विद इट इज़ अ बायक एट रुपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर शेयर विद एंड एट अ प्रीमियम ऑफ सेवनटीन परसेंट वेन कंपेयर टू येस्टर्डेज क्लोजिंग प्राइस And now uh, further uh, the company says that it will buy shares at rupees 4500 and um बिसाइड दिस द बायक इज़ अप टू फोर क्रोर्स द कंपनी इज गोइंग टू बाई फोर क्रोर्स शेयर एंड द टोटल अमाउंट दट दे विल परचेज राइट तो मतलब एटीन थाउजेंड क्रोर्स के शेयर वो लोग परचेज करेंगे एंड दैट वैल्यू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट दे विल परचेज इज फोर क्रोर्स विच विल बी ऑफ अ वैल्यू ऑफ अराउंड एटीन थाउजेंड क्रोर्स एंड जो बाय बैक प्राइज है लाइक आई मैंशन फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर शेयर है वॉट इज बाय बैक वैन वट डज द कंपनी कम अप विद द बायक वैन कंपनी को अपने रेवन्यू को कंसॉलिड या अपना होल्ड द कंपनी को कंसॉलिडेट करना रहता है टू जो

market bye bye टेंडर ऑफर बाय बैक टेंट्स बी मोर लुक्रेटिव और टी सी एस ने टेंडर ऑफर बाय बैक ही लाया है नाउ वॉट शुड बी आर स्ट्रैटेजी क्या बिकॉज कंपनी हमें फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर शेयर दे रही है तो क्या हमें रैंडमली जितना भी पैसा है सब लगा देना चाहिए आप चार पांच लाख के शेयर्स खरीद लेंगे तो क्या आपसे कंपनी सारे शेयर ले लेगी बाय में एट द प्राइस ऑफ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेल द आंसर फॉर दिस इज नो तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हम क्या स्ट्रेटेजी अगर आपको ये बाय बैक ये कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा लेना है सो वॉट शुड बी योर इस 3857. आज के दिन का जो लो थार वैल्य प्रॉफिट ज्यादा होंगे हो महंगा भी बाई कर बाय द स्टॉक एट गुड लेवल्स क्योंकि अभी तक कंपनी के रिकॉर्ड डेट बाय की नहीं आई है तो भाग के ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है ना द बायक साइज समेर अराउंड एटीन थाउजेंड क्रोर तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अ कंपनी विल परचेज वो हमें कैसे पता चलेगा एटीन थाउजेंड डिवाइड बाई द बाय बैक प्राइस विच इज फॉर्टी फाइव हंड्रेड दैट इज फोर क्रोर शेयर्स कंपनी इज वू बाय और दिस फोर क्रोर शेयर रिटेल कोटा इज समवेर अराउंड सिक्सटी लैक शेयर का टू बी एलिजिबल फॉर द रिटेल कटेगरी हमारा जो इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए दैट शुड भी लेस टू लैख

तो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आई एम टू इज अराउंड 44 44 डिवाइडेड बाय द सीएमपी दैट इज आज के दिन का लो था आई एम कंसीडरिंग 3857 सो so, उसको अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे सो वन लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट एम टॉक मैक्म इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक तो इतना अमाउंट आएगा सो वॉट हैपन्स टू द प्रॉफिट पर शेयर मुझे कितना मिलेगा फोर्टी फाइव हंड्रेड जो बाय बैक प्राइस है और जो मेरा परचेज प्राइस जो आज के दिन का लो था थ्री एट फाइव सेवन सो पर शेयर मुझे समवेयर अराउंड सिक्स फोर्टी थ्री रूपीज पर शेयर का हो रहा है

अबाउट अगर एक्सेप्टेंस uh, रेशो हुआ फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट और सेवेंटी परसेंट का तो फिर आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी और क्या गेन्स रहेंगे नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस रेशियो इफ इट इज फिफ्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी सो नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेप्टेड अगर फिफ्टी परसेंट का एक्सेप्टेंस रेशियो है तो ट्वेंटी टू होगा फोर्टी फोर का हाफ सिक्सटी है तो ट्वेंटी सिक्स होगा अगर सेवेंटी परसेंट एक्सेप्ट होगा तो थर्टी नंबर ऑफ शेयर एक्सेप्ट होंगे ऑफ शेयर रिमेनिंग बचेंगे अगर फिफ्टी परसेंट एक्सेप्टेंस रेशियो है तो दैट अराउंड ट्वेंटी टू सिक्सटी परसेंट अगर एक्सेप्ट होगा तो रिमेनिंग शेयर्स जो आपके रहेंगे दैट इज समेयर अराउंड 18 और अगर सेवेंटी परसेंट शेयर्स आपके एक्सेप्ट होते हैं सो द रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स विल बी समवेर अराउंड फोर्टीन यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट ऑल दिस कैलकुलेशन सो वॉट विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर दैट सो अगर फिफ्टी परसेंट मेरे शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं सो so मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आती है समवेयर अराउंड फोटी थाउजेंड वन फोर्टी सिक्स की अगर सिक्सटी परसेंट शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं सो सिक्सटीन थाउजेंड सेवन वन एट की प्रॉफिट होगा मेरा सेवेंटी परसेंट होगा तो नाइनटीन टू नाइनटी का प्रॉफिट ना होगा सो वट विल बी द परसेंटेज रिटर्न मतलब मैंने वन लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो मेरा रिटर्न कितना होगा अगर फिफ्टी परसेंट एक्सेप्ट होता है तो एट पॉइंट थ्री थ्री का अगर सिक्सटी परसेंट एक्सेप्ट होता है तो मेरा रिटर्न रेशियो है परसेंटेज uh, है नाइन पॉइंट एट का और अगर 70% होता है तो 11.36% का मेरा रिटर्न है नाउ व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट ना पोस्ट बायबैक ऐसा होता है कि कंपनी सब शेयर्स नहीं लेगी 50% शेयर ही लिया सपोज लेट अस अज्यूम कंपनी 50% लेती है उसके बाद में टीसीएस का जो शेयर प्राइस है वो गिर जाता है तो मैंने जितना प्रॉफिट कमाया है दैट इज़ 14,146 ऑन 50 परसेंट क्या जो शेयर का बायबैक हुआ है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है 3215 का मतलब अगर स्टॉक प्राइस यहां से 3215 तक भी पहुंच जाएगा तभी भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रहूंगी एंड रिस्पेक्टिवली 2928 एंड 2479 अगर सिक्सटी और सेवेंटी का बायक परसेंटेज हुआ तो या एक्सेप्टेंस रेशियो और हुआ तो सो लास्ट ईयर भी टी ने बायबैक अनाउंस किया था एट दैट टाइम हैड हैपेंड इज बाय द टाइम टू रिकॉर्ड डेट द एक्स डेट ऑफ द बायबैक हैड कम द स्टॉक प्राइस हैड ऑलरेडी रीच्ड द देन बायबैक बैक प्राइस तो अगर कभी ऐसा होता है दिस टाइम ऑल्सो सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यू विल बी एबल टू सेल योर शेयर्स वाया द ओपन मार्केट ऑल्सो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइस टीसीएस का पोस्ट वो गिरे ही हो सकता है वो ज्यादा भी हो जाए जैसे ओपन मार्केट एज वेल एज फॉर द बायक ऑफर तो दोनों द्रेटजी दैट इज दाय बैक स्ट्रेटेजी ऑन टीसी फर्स्ट थिंग इज दट टीसी कंसिटेंट कंपाउंड इट इज ए ब्लू चिप कंपनी इट बिलोंग्स टू द आई टी सेगमेंट द आई टी सेक्टर इज हेयर टू स्टेज भी था और कल भी रहेगा बिस ऑन एन एवरेज दिस कंपनी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट विच इज वे मोर एफ डी तो अगर हो सकता है कि बाय बैक के बाद में अगर ये स्टॉक में एक फॉल भी आपको नजर आता है स्टॉक को सो अगेन इट्स अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दैट यू विल बी होल्डिंग इन योर पोर्टफोलियो एंड ये स्ट्रेटेजी के लिए कंपनी मेरे हिसाब से इन ओपिनियन सबसे बेस्ट है आई एम नॉट सीट यू शुड रन एंड बाय दिस कंपनी राइट अवे कल का कल ही खरीद लीजिए नो दे आंसर इज नो बायट लेवल स्लोली स्टडीली इसमें इन्वेस्टमेंट करिए बिकॉज अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आई है ना इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेट You can write me your queries in the comment section or simply DM me on Instagram. The link is in the description.